Hello students, today we are going to start lesson 8 and the name of lesson is number name from 1 to 50. ठीक है, इस लेसन में हम क्या करेंगे, नंबर नेम लिखेंगे 1 से 50 तक और उसके बाद कुछ रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. सो वी स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.01 एंड द क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम फ्रॉम 1 टू 50. आपको कहा गया है कि नंबर नेम लिखिए 1 से 50 तक. स्टार्ट करते हैं. 1 की स्पेलिंग लिखेंगे, नंबर नेम लिखेंगे ओ एन ई 1. 2 टी डब्ल्यू ओ 2. 3 टी एच आर डबल ई 3. एफ O U R 4. F I V E 5. S I X 6. S E V E N 7. E I G H T 8. N I N E 9. T E N 10. E L E V E N 11. T W E L V E 12. T H I R T double E N 13. F O U R T double E N 14. F I F T double E N 15. S I X T double E N 16. Then S E V E N T double E N 17. E I G H T double E N 18. N I N E T double E N 19. T W E N T Y 20. T W E N T Y 20. O N E 1 21. T W E N T Y 20. T W O 2 22. Then 23. T W E N T Y 23. T H R double E 23. Then 24. T W E N T Y 20. F O U R 4 24. T W E N T Y 20. F I V E 5 25. T W E N T Y 20. S I X 6 26. T W E N T Y 20. S E V E N 27. T W E N T Y 20. E I G H T 28.
TWENTY 20, NINE 29, THIRTY 30. Then THIRTY 30, ONE 31, THIRTY 30, TWO 32, THIRTY 30, THRE 33, THIRTY 30, FOUR 34, THIRTY 30, FIVE 535, THIRTY 30, SIX 6, THIRTY 30, SEVEN 7 37, THIRTY 30, EIGHT 8 38, THIRTY 30, NINE 9 39, FORTY 40, then FORTY 40, ONE 41, FORTY 40, TWO 2 42, FORTY 40, THRE 343, FORTY 40, FOUR 44, FORTY 40, FIVE 545, FORTY 40, SIX 646, FORTY 40, SEVEN 747, FORTY 40, EIGHT 848, FORTY 40, NINE 949, and FIFTY 50. ठीक है, तो हमने नंबर नेम्स लिख दिए 1 से 50 तक. इसी तरह से आप गुड हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अच्छे से इसे लर्न करेंगे. नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको क्या करना है, फिल करना है ब्लैंक में. तो आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, एडिशन के साइन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इन्हें ऐड करना है. ठीक है, तो 26 + 9, 26 के आगे हम 9 काउंट करेंगे, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 + 7, 35 के आगे 7 काउंट करेंगे, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 42. इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे सेकेंड, 7 + 2, 7 के आगे 2 काउंट करेंगे, तो 7 के बाद 8, 9, 9 + 4, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, तो कितना आ गया यहाँ पर,
1, 3, 13. 6 plus 2, 6 plus 2, 8. 8 plus 6, 8 के आगे काउंट करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14. यहाँ पे कितना आ गया 1, 4, 14. नेक्स्ट करेंगे 4 plus 9, 4 के आगे काउंट करेंगे हम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. प्लस 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. यहाँ पे कितना आ गया है 22. 8 plus 9, 8 के आगे काउंट करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. प्लस 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. तो कितना आ गया यहाँ पर 25. नेक्स्ट करेंगे 2 plus 3, 5 एंड 5 plus 5, 10. तो यहाँ पे कितना आ गया 10. 3 plus 7, 3 के आगे काउंट करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 10 plus 8, 18. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 8, 18. 4 plus 2, 4 के आगे 5, 6 एंड 6 plus 6, 6 plus 6, 12. ये लिख दिया हमने 12. 13 plus 2, 13 के आगे 14, 15 plus 1, 16. 21 plus 2, 21 के आगे 22, 23 plus 3, 24, 25, 26. तो ये आ गया यहाँ पर 26. इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 8.02 एंड द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. अगेन हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, माइनस का साइन है. प्रीवियस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या था, प्लस, यानी कि हमें ऐड करना था, और इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. सो 30 माइनस 3 जब आप करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा 27. 38 माइनस 4, 38 में से 4 आप लेस करेंगे तो आपके पास रहेगा 34. 55 माइनस 5 जब आप करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 50. 33 माइनस 6 करेंगे, ठीक है, तो 33 में से आप जब 6 लेस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 27. 50 माइनस 2, 50 में से 2 लेस कर देंगे आप तो आपके पास बचेगा 48. देन 34 माइनस 11, 34 में से आप 11 किस तरह से माइनस कर सकें, 4 माइनस 1, 3 एंड 3 माइनस 1, 2, तो दैट इज 23. 66 माइनस 11, 6 माइनस 1, 5 एंड 6 माइनस 1, 5, तो कितना आ गया 55. 4 minus 3, 1 एंड 7 minus 3, 4. 6 minus 3, 3. 4 minus 3, 1. 6 minus 3, 3 एंड 2 minus 1, 1. ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. आप रफ वर्क करके भी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगी और वो भी आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है, ठीक है. आप याद रखना कि आप रफ नोटबुक में रफ वर्क करके भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. So students, now we have exercise 8.05 and the question is write tens and ones digit in the appropriate place. ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपको जो digit given है इसमें से tens और ones अलग अलग जगह पर उन्हें लिखना है. जहां पर क्या है, tens लिखा है वहां पर आप tens वाली digit लिखेंगे और जहां पर ones लिखा है वहां पर ones वाली digit. ठीक है, तो हम देखते हैं, फर्स्ट digit हमारे पास 23. तो यहाँ पर 20 क्या है, tens है ना, वंस टेंस, तो 20 आएगा कहाँ पर, यहाँ पे 2, और 3 क्या है, वंस, तो वंस के प्लेस पे आ गया 3. ठीक है, इसी तरह से सेकंड देखेंगे 25, वंस टेंस, तो टेंस के प्लेस पे क्या है 2,
और वंस की प्लेस पर 5। नेक्स्ट करेंगे 14। 14 में 1 है टेंस की प्लेस पे और 4 है वंस की प्लेस पे। नेक्स्ट करेंगे फोर्थ 58, वंस टेंस, तो 58 में 5 कहाँ है टेंस की प्लेस में और 8 है वंस की प्लेस में। फिफ्थ करेंगे 47, वंस टेंस, तो 4 कहाँ है टेंस की प्लेस में एंड 7 इज वंस प्लेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी, वो आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। Students, now we have exercise 8.07 and the question is add and write in suitable place. आपको क्या करना है, add करना है और फिर जो suitable place है वहां पर लिखना है। ठीक है, तो first है हमारे पास 3 tens. 3 tens means 30 plus 9 ones. 9 ones means 9. तो is equal to कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 plus 9 39। सेकेंड 2 टेंस, 2 टेंस मीन्स 20 प्लस 4 वंस, 4 वंस मीन्स 4, 20 प्लस 4 24। थर्ड है हमारे पास 9 टेंस, 9 टेंस यानी कि 90 प्लस 9 वंस, दैट मीन्स 9, 90 प्लस 9 99। फोर्थ है 1 tens, 1 tens means 10 plus 8 ones, 8 ones means 8, 10 plus 8 18। फिफ्थ है हमारे पास 7 tens, 7 tens means 70 plus 8 ones यानी कि 8 is equal to 70 plus 8 78। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी और वो आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 8.09 और इसमें हमारे पास क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास अ पैकेट कंटेन्स 87 टॉफीज। ठीक है, एक पैकेट है जिसमें 87 टॉफीज हैं, आउट ऑफ विच 39 आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उनमें से क्या है 39 जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी यानी कि बांट दी। हाउ मैनी टॉफीज आर लेफ्ट, अब हमारे पास कितनी टॉफी लेफ्ट है, कितनी टॉफी बच चुकी हैं वो आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, टॉफीज कंटेंट इन अ पैकेट, पैकेट में कितनी टॉफी थी टोटल 87, नंबर ऑफ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटेड, और कितनी टॉफी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, दैट इज 39। सो द नंबर ऑफ टॉफीज लेफ्ट, अब टॉफीज जो है लेफ्ट कितनी बच चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज दैट इज 87 और नंबर ऑफ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटेड 39 को क्या कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे, है ना, जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं बांटती हैं तो वो क्या हो जाएंगी, वहां से माइनस हो जाएंगी। 7 - 9 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोरो करेंगे, 8 का हो जाएगा 7 और 7 का 17। नाउ 17 - 9 दैट इज 8 एंड 7 - 3 - 4, तो हमारे पास कितनी टॉफीज बच गई, 48। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सेकेंड, राज इज रीडिंग अ बुक विच हैज 58 पेजेस, राज जो है एक बुक पढ़ रहा है जिसमें टोटल 58 पेज हैं, ही हैज रीड 39 पेजेस, उसने 39 पेज जो है वो रीड कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, हाउ मैनी पेजेस हैज ही लेफ्ट टू रीड, अब उसने कितने पेज छोड़ दिए हैं पढ़ने के लिए, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस बुक हैज, बुक में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने हैं टोटल पेज, दैट इज 58। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय राज, राज ने कितने पेज पढ़ लिए,
that is 39. So the number of pages he left to read, तो उसने जो number of page है अब जो छूट गए हैं पढ़ने के लिए वो कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे 58 जो है क्या number of pages book have, और number of pages उसने पढ़ लिए हैं उसे less कर देंगे उसमें से. So 8 minus 9 नहीं होगा, यहाँ से borrow करेंगे, 5 का हो गया 4, 8 का 18, 18 minus 9, 9, 4 minus 3, 1, तो 19 pages जो हैं बच चुके हैं अब पढ़ने के लिए, ठीक है? Now third word problem, Rita and Ela collect stamps. Rita और Ela ने क्या किया? Stamps collect किए. Rita has 85 stamps. Rita के पास 85 stamps हैं. Ela has 29 less. और Ela के पास Rita से 29 less हैं. यानी कि 29 कम है उसके पास. How many stamps does Ela have? अब आपको बताना है कि Ela के पास कितने stamps हैं. तो हम इसका solution करेंगे. Number of stamps collected by Rita. Rita ने कितने stamp collect किए? That is 85. Ela has collected dash less stamps. उसने कितने कम stamp collect किए? 29. ठीक है? So the number of stamps collected by Ela. तो फिर जो number of stamps हैं Ela ने collect किए वो कितने होंगे? जो number of stamps रीता ने कलेक्ट किए उसमें से क्या करना है, 29 लेस है उसके पास, तो यानी कि हम 29 लेस कर देंगे. 5 माइनस 9 नहीं हो सकता है, यहां से बोरो करेंगे, 8 का हो गया 7 एंड 5 का 15, 15 माइनस 9 6, 7 माइनस 2 5, तो 56 स्टैम्प्स जो है Ela ने कलेक्ट किए. Students, now fourth, Dev earns 87 rupees a day. Dev एक लड़का है जो कि एक दिन में 87 rupees कमाता है, earn करता है. He spends 46 rupees. और वो खर्च कितने करता है? 46 रुपए. How much money does he save? तो आपको बताना है कि वो कितने rupees save करता है. Solution करेंगे इसका, rupees earned by Dev in a day. देव एक दिन में कितने रुपए अर्न करता है? रुपीस कितने करता है वो? 87. रुपीस स्पेंट बाय हिम और खर्च कितने करता है? रुपीस 46. सो द टोटल रुपीस ही सेव, और वो सेव कितना करता है वो हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल मनी जो अर्न करता है उससे जो स्पेंड कर देता है मनी उसको माइनस कर देंगे, फिर जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, उसकी सेविंग. 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 4 4, तो वो 41 रुपीज जो है सेव करता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेसन. और जो गिवन एक्सरसाइजेस हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको जो एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उन्हें आप जरूर अपनी नोटबुक में सॉल्व करिएगा इन एक्सरसाइजेस को समझने के बाद. थैंक यू.